कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ती जा रहे हैं, वहीं अब तक इस बीमारी का कोई इलाज सामने नहीं आया है। लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली के साकेत में मौजूद मैक्स हॉस्पिटल में एक कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया गया था। अब उस मरीज की सेहत में सुधार दिखने लगा है। वहीं उस मरीज को वेंटिलेटर से हटाकर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। 49 साल के व्यक्ति को 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर दिल्ली के साकेत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संक्रमण पाए जाने के बाद उसे निमोनिया हो गया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं था। परिवार को भी ये बात पता थी। जब परिवार को पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी से इसका इलाज अमेरिका जैसे देश में हो रहा है, तो उन्होंने अस्पताल से इस थेरेपी करने की दरखास्त की, जिसके बाद अस्पताल में लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल के तहत और ऑफ लेवल इंडिकेशन के तहत मरीज को प्लाज्मा थेरेपी देने का फैसला किया।